हमेशा अपनी बातों को लेकर विवादों में आने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर से मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। वैसे तो स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली बॉलीवुड सेलेब में से एक हैं। वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों ही मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर को निशाने पर लिया जाता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से आपको बता दे कि वही होता नजर आ रहा है स्वरा भास्कर के साथ। जी हाँ, शनिवार को ट्विटर पर अरेस्ट स्वरा भास्कर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया यूजर्स का एक समूह उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा था, जिसके बाद ये देखकर स्वरा को खुद सामने आना पड़ा और अब स्वरा भास्कर ने उन लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया है। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिस वीडियो में स्वरा भास्कर किसी रैली का एकत्रित भीड़ को संबोधित करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के जरिए उन दिल्ली के दंगों को फैलाने का आरोप लगाया गया। ऐसे में स्वरा भास्कर पर ये आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा अब उनकी गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सजा देने की भी अपील की जा रही थी, जिसके बाद स्वरा भास्कर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने नाबिया खान नाम के एक सोशल मीडिया यूजर्स के ट्विटर को शेयर किया। इसमें बताया गया कि जिस वीडियो पर हंगामा हो रहा है वो दरअसल 26 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया मूवमेंट के दौरान का वीडियो है, जबकि दिल्ली के दंगे की शुरुआत 23 फरवरी को शुरू हुई थी। इसको रीट्वीट करते हुए स्वरा ने लिखा, शुक्रिया नाबिया, ऐसा लगता है कि तर्क और तथ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ बुराई घर कर गई है। गौरतलब है कि स्वरा भास्कर CAA और NRCA जैसे मुद्दों पर काफी मुखर कर सामने आती हैं। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन मुद्दों पर खुलकर राय भी रखती हैं। इसके अलावा स्वरा इस वक्त घरों में से दूर फंसे मजदूरों की भी मदद कर रही हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मत उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो काफी सारे वर्कर्स को चप्पलें भी बांट रही हैं। ऐसी खबरों पर आपका क्या कहना है ये हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स के जरिए।